ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल धर्म चेतना मंच मुंबई शाखा ने स्वामी विवेकानंद एवं सिद्धेश्वर ब्रह्मऋषि गुरुदेव का अवतरण दिवस 12 जनवरी को मनाया गया। आनंद महोत्सव के रूप में आयोजित ये कार्यक्रम वाशी के विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ है, जहां गुरुदेव ने मानवीय मूल्यों के आधार पर जीवन जीने की बात कही। उन्होंने भक्तों को ईश्वरीय शक्ति के प्रति समर्पित होने का आह्वान किया और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर विधिवत अवगत करवाया। कार्यक्रम में मुंबई सहित देश भर से गुरु भक्त आए थे। आश्रम संगठन के चेयरपर्सन घनश्याम मोदी, मुंबई शाखा अध्यक्ष केसी जैन, मंत्री महेंद्र चोरडिया, सदस्य उत्तम पटवारी, निखिल जालान राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष, मयंक कोठारी मुंबई शाखा युवा अध्यक्ष, मनोज कोठारी संयोजक, सुरेश जैन आदि के प्रयासों से ये प्रोग्राम हुआ। इसको कवर किया है हमारे रिपोर्टर मनीष पालीवाल ने, देखिए प्रातःकाल लाइव की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष पालीवाल और आप देख रहे हैं प्रातःकाल लाइव। आज की जो रिपोर्ट है हमारी मुंबई से सटे हुए वासी क्षेत्र से है। यहाँ के विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम के अंदर विश्व धर्म चेतना मंच मुंबई शाखा के तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद जी एवं ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आनंद महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मुंबई सहित देश भर से बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा रहा। इसी कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ भक्तों से बातचीत की और इस कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी जुटाई, आप भी देखिए। और बोलो मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, मातृ देवो। हम पत्थर मार मार कर भगा दिए, हम बिन पढ़े ही रह गए, चले गए वो चले गए, सब प्रेम दीवाने चले गए। मेरी मृत्यु होगी कारण कि ये भगवान के विरोध में लड़ रहा है, तब भी अंतिम सांस तक उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, नहीं तो मित्र कृष्ण के जैसा कि हाथ पकड़ा तो जीवन। वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को भी कूटता घेर लेता है। आज का कार्यक्रम बहुत ही अभूतपूर्व रहा और इतनी सारी तादाद में गुरु भक्त आए यहाँ पर नई मुंबई में। गुरुदेव के सानिध्य में जो भी आया वो सब अपने आप में धन्य हो गए। गुरुदेव का आज के पहले भी 15 साल पहले यही प्रोग्राम एसी हॉल में प्रोग्राम किया, आज के 3 साल पहले हमने सिडको में प्रोग्राम किया, वहाँ पे 8,000 की पब्लिक थी और पूरा हॉल फुल भरा हुआ था। गुरुदेव के खुद अपने आप अवतरित पुरुष है, गुरुदेव के सानिध्य में जो भी आया वो सब अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। गुरुदेव की कृपा से हमें ये सौभाग्य मिला कि हमें बम्बई में आनंद महोत्सव करने का सौभाग्य मिला और उसमें मुझको सभी सहयोग कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग मिला। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, उसमें इंदू जी, राजेश जी, चोड़िया जी और सरला जी का बहुत बहुत योगदान रहा। उनके प्रोत्साहन से ही हम लोग ये कार्यक्रम कर सके और गुरुदेव का आशीर्वाद से हमारा ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और सभी भाई बहनों ने पूरा पूर्ण सहयोग दिया। इसमें सहसंयोजक श्री महेंद्र जी चौड़िया, मयंक कोठारी और नीतीश जलान और उत्तम जी पटवारी ने भी पूरा सहयोग दिया, उनके सहयोग से ही ये कार्यक्रम पूर्ण हुआ है। धन्यवाद। मैं सरला बोथरा, श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम तिरुपति की ग्लोबल महिला चेयरपर्सन, दिल्ली रहती हूँ। पुरातन सनातन ऋषि मुनियों की जो लुप्त हो गई है सिद्धियाँ, आज गुरुदेव उन सिद्धियों को पुनः खोज कर उनको उनका उपयोग मानवता के कल्याण के लिए कर रहे हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के धारक श्री गुरुदेव एक ऐसे महान योगी हैं जिनकी सिद्धियों का और जिनका देखा जाए तो आज की दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। गुरुदेव अपना पूरा समय मानवता के कल्याण के लिए लगाते हैं। 3-3 महीने तक उनके साधनाएं चलती रहती हैं और जब साधना से उठते हैं तो लगता है जैसे एक बच्चे के रूप में वो उठे हैं। तो उनके अनवरत साधनाओं को देखते हुए लगता है कि अब तो उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। मैं दिलीप मेहता मुंबई से, मैं गुरुदेव से 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ और प्रभु की असीम कृपा है कि मुझे 0 से उन्होंने हीरो बना दिया
और मैं कोर कमेटी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इस प्रोग्राम हमें मुंबई वासियों को दिया और इस प्रोग्राम को हमने सुपर डुपर हिट करने की पूरी कोशिश की है। जय गुरुदेव। आज 12 जनवरी गुरुदेव का जन्मदिन और स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन के उपलक्ष्य में विष्णुदास भव्य ऑडिटोरियम में जन्मदिन मना रहे हैं और बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव की कि उन्होंने हम युवाओं को और वाशी और चेंबूर के लोगों को ये मौका दिया है कि जन्मदिन हम मनाएं। और युवा वर्ग काफ़ी जुड़ा हुआ है और काफ़ी महीनों से हम तैयारियों में लगे हुए और आज उस तैयारी का रंग ये ऑडिटोरियम में दिखाई दे रहा है कि ऑडिटोरियम डबल पैक्ड है और गुरुदेव के भक्तगण लोग बाहर बैठे हुए गुरुदेव के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम था आनंद महोत्सव। इस कार्यक्रम के दौरान गुरुवानंद जी महाराज ने अपने भक्तों को धर्म के माध्यम से अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाया जाए इस विषय पर समझाया। मिलते हैं अगली कड़ी में और भी एक नए कार्यक्रम के साथ। बने रहें प्रातःकाल लाइव के साथ। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।